हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है नौलिक क्रिया। नौलिक क्रिया क्या है एंड इसके बाद देखेंगे कि नौलिक क्रिया जब करते हैं आसन को तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां हमें लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इसका टॉपिक है नौलिक क्रिया से रोगों में क्या लाभ मिलता है। तो जानते हैं नौलिक क्रिया क्या है। तो नौलिक कर्म को करने से हमारे पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। अगर हम ये आसन करते हैं, ये क्रिया करते हैं, तो पेट से, स्टमक से, टमनी से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाता है। नौलिक क्रिया में पेट की मांसपेशियों को दाएं बाएं व ऊपर नीचे चलाया जाता है, यानी जो मांसपेशियां है वो हमारे पेट के, उसे लेफ्ट राइट करना होता है, अप डाउन करना होता है, जिसे पेट की मांसपेशियों की मालिश होती है, मसाज का एक काम है। इसे करते समय आँखों को पेट पर टिका कर रखना पड़ता है। इस क्रिया का सेट कर्मों में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये हुआ नौलिक क्रिया। नेक्स्ट जो है इसका है कि नौलिक क्रिया जब आप कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट है, नौलिक कर्म को सोच जाने के बाद तथा भोजन करने से पहले करें। यानी जब भी आप सोच जा रहे हैं उसके बाद और जब खाना खाना से पहले ये क्रिया को करनी है। नेक्स्ट है इसकी, इस क्रिया को प्रातःकाल करना लाभकारी होता है। यानी जब भी नौलिक क्रिया करे, ये जो भी आसन करे, तो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। नेक्स्ट है, इस क्रिया को करने के लिए किसी योग के शिक्षक की देखरेख में करें। यानी कोई भी जो हमारे ट्रेनर हैं, योगा जो टीचर होते हैं, और उनके सुपरविजन में ही हमें ये वाला योग या आसन करना चाहिए। नेक्स्ट है, पेट दर्द, डायरिया तथा पेट की कोई भी अन्य बीमारी होने पर इसका अभ्यास ना करें। अगर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्टमक पेन है या डायरिया है, अनपचे कोई भी है, तब आप ये वाला योगा या अभ्यास ना करें। नेक्स्ट, अल्सर, आंतों के विकार व आंतों में सूजन होने पर इसका अभ्यास हानि पहुंचा सकता है। मीन्स कि अगर आपको अल्सर हो गया है या फिर आंतों के विकार, मीन्स जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स है या सूजन आ गई है, तब भी आप इस आसन का अभ्यास ना करें। नौलिक क्रिया से रोगों में लाभ क्या क्या मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है, नौलिक कर्म से पेट की सभी मांसपेशियों की मालिश हो जाती है, जिससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। कहते बच्चे अगर उन्हें भूख नहीं लगती तो कहते हैं जोक हो गया, कीड़े हो गए। तो ये नौलिक कर्म जो क्रिया है, ये जो आसन है, ये करने से मसाज हो जाती है पेट की सभी जो मांसपेशियां हैं उनका मसाज हो जाती है इसके थ्रू, तो जो भी कीड़े हो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो इसके अभ्यास से आते मजबूत होते हैं, यानी जो इंटेस्टाइन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। एंड नेक्स्ट है, ज्वर, यकृत, विक, प्लेहा का बढ़ना, आयु, वायु गोले का दर्द आदि रोग नहीं होते। यानी कि अगर फीवर है या लीवर से, किडनी से, प्लेहा से रिलेटेड अगर कुछ भी बीमारियां हैं तो वो इसे कंट्रोल में रखता है, उसे रोग नहीं होने देता है। नेक्स्ट है, या वात, पित्त व कफ से उत्पन्न होने वाले रोगों से हमें दूर रखता है। किस तरह का कोई भी हमारा पित्त हो जाता है, कफ हो जाता है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसे कम करता है, दूर रखता है। नेक्स्ट है, या आंतों को साफ कर मल को निकालता है, कब्ज को दूर करता है तथा वायु को वश में करती है। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, जो भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और उसे क्लीन करता है हमारे इंटेस्टाइन को, और जो हमारा मल है उसे बाहर निकालने में ये आसन है, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कब्ज की जिन्हें प्रॉब्लम है उसे भी ये सॉर्ट आउट करता है, दूर करता है। नेक्स्ट है, यह क्रिया पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे काफ़ी ये स्ट्रांग रखता है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ये सही करके रखता है। नेक्स्ट है, मोटापा घटाता है, मन को प्रसन्न रखता है तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इससे क्या, हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होता है और हम काफ़ी हैप्पी रहते हैं और मेंटली फिजिकली हम काफ़ी हेल्दी रहते हैं और खुश रहते हैं। नेक्स्ट है, मासिक धर्म संबंधित बीमारियां दूर होती है। ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है, यानी पीरियड है, जो हमें मंथली जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाते हैं हमारे अंदर, या वीकनेस होता है, या कोई कमजोरी लगती है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये योगा करने से हमें उस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। तो गाइज, ये नौलिक क्रिया हुई और हमने क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए थे वो उस पर डिस्कशन हुआ, एंड उसे क्या क्या बेनिफिट्स है वो डिस्कशन हुआ। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।